अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सभी बेकिंग डिलाइट्स। बेकिंग क्लास की सेकंड क्लास के साथ मैं हाज़िर हूँ और आज हम सीखेंगे इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि आपको कौन से इंग्रेडिएंट्स लेने चाहिए और कौन से नहीं। तो सबसे पहले हम व्हिपिंग क्रीम के साथ स्टार्ट करते हैं। ये है विपी विप की व्हिपिंग क्रीम। प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट 600 to 700 तक की अवेलेबल है। ये सेकेंड क्रीम है और इसके साथ फ्रोस्टी है। ये फ्रोस्टी की भी मैंने काफ़ी हाइप सुनी है और 450 तक की अवेलेबल होती है। इसके बाद टॉपिंग की बात करें, केक्स के लिए टॉपिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, तो ये कैरमल टॉपिंग है। इसकी प्राइस भी 700 to 800 तक है। काफ़ी बिग बोतल मिल जाती है। ये क्रेव की टॉपिंग है, स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट्स मेरे पास। या आप आइसक्रीम्स के ऊपर भी इसको स्प्रेड कर सकते हो और इसके अलावा आप इसको क्रीम में मिक्स करके भी केक्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो इसको काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो ये 400 तक अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है इका 300, और ये जो है 600 तक मिल जाता है। ये ब्रेड को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये हर रेसिपी में भी यूज़ नहीं होता है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी इसकी मिल जाती है आपको 600 के अंदर। इसके बाद आ जाती है हमारी यीस्ट। ये मेरी मोस्ट फेवरेट यीस्ट है। काफ़ी यीस्ट जो होती हैं वो उतनी अच्छे से एक्टिव नहीं होती हैं, तो ये बेस्ट है रोज़मोड की इंस्टेंट यीस्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपने यही लेना है। एक ये साशेज में भी होती है और ये इस तरह पैकिंग में भी होती है, और ये पैकिंग में 3 साशेज होती हैं। आप पर डिपेंड करता है कैसे लें। अगर आप वो वाला साशे लेंगे तो फिर 60 रुपीस ईच में है, और अगर इसको लेंगे तो ये आई थिंक 120 to 140 तक मिल जाता है ये 3 साशेज का। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैंने साशेज में से निकाल के इसमें सेव कर लिया है। बेकिंग पाउडर का टिन भी मिलता है आपको। ये केक को राइज करने के लिए बेसिकली यूज़ होता है। काफ़ी ब्रेड भी यूज़ होता है और ये रोज़ मोड का बेस्ट रहता है। रोज़ मोड का बाय कर लें। प्राइस की बात करें तो ये 130 का 100 ग्राम मिल जाता है। इसके बाद ये कोकोनट आ गया। कोकोनट 1 kg की पैकिंग में है। ये आप कुकीज़ में यूज़ कर सकते हो, वनीला स्पंज में यूज़ हो सकता है ये। और ये मैंने 1 kg का लिया था। ऑलमोस्ट 400 to 500 का ये मिल गया था मुझे। अभी का रेट मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने ये 3 to 4 months अगो लिया। इसके बाद हमारे पास आगे चॉकलेट चिप्स। यहाँ ये मैंने मिल्की स्पूट के लिए हैं। इसकी रेट की बात करें तो 600 to 700 तक ये अवेलेबल हैं। क्वालिटी इनकी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। आप चॉकलेट चिप्स यूज़ करने हैं तो मेरे रिकमेंड करने पे ये वाले ही यूज़ करें। इसके बाद बारी आ जाती है फूड कलर्स की और जेल कलर्स की। ये डिफरेंट ब्रांड्स के मेरे पास हैं। मिल्की फूड भी है, लोकल ब्रांड भी है, विबग्योर भी है, एशिया फूड कलर्स भी हैं, और इसके अलावा रोज़ मोड भी है, इंस्टेंट नेट फूड भी हैं, और ये जेल कलर भी अवेलेबल हैं। तो जेल कलर जो हैं वो निस्बतन कॉस्टली होते हैं फूड कलर्स की निस्बत। यहाँ पे एसेंस मेरे पास 2 टाइप के हैं, एक वनीला एसेंस है, एक चॉकलेट एसेंस है। मेरे पास बाकी के 4 और भी पड़े हुए हैं लेकिन मैं वो दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि वो जितना देखोगे आप लोग उतना होगा आपको कि यार इतनी चीज़ें। अब ये रेड कलर का विबग्योर का कलर है, सबसे बेस्ट रेड कलर विबग्योर का रेड कलर है। एक ये तो मस्ट बाय करना होगा आपको। इसके बाद ये मिल्कीज़ का फूड कलर है। मिल्कीज़ के फूड कलर की इस साइज़ की प्राइस 100 रुपीज़ है। विबग्योर की प्राइस 700 थी, वो जो उस साइज़ में था। इसके अलावा ये एशिया फूड कलर्स हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इनकी कलरिंग अच्छी नहीं होती है, तो इसको मत बाय कीजिएगा। और इसके अलावा ये लोकल फूड कलर है, ब्लू कलर में मैंने लिया था और ये बहुत ज़्यादा रंग छोड़ता है। ब्लू और ग्रीन ये तो होते ही ऐसे हैं, रेड ये 3 कलर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रंग छोड़ते हैं। ये वनीला एसेंस है जो मस्ट हैव है, आपको हर तरह की रेसिपीज़ में ये काम आता है, तो ये आपको ज़रूर बाय करना है। इसके बाद आ जाती है बड़ी कोको पाउडर की। यहाँ मैंने क्रेव का कोको पाउडर लिया है, सबसे बेस्ट क्वालिटी है ये। अगर आप इससे हाइप में जाना चाहते हो तो आप कैडबरी का कोको पाउडर ले लो, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली होता है, तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि क्रेव का लें। अगर आपको बजट फ्रेंडली रहना है तो क्रेव का लें, और अगर आपको बजट फ्रेंडली नहीं रहना है तो आप कैडबरी का ही लें। और इस पर 600 के 2 साशेज होते हैं 100 ग्राम ईच के। इसके बाद बारी आ जाती है चॉकलेट की, कुकिंग चॉकलेट की। तो यहाँ पर मेरे पास इस टाइम जो अवेलेबल हैं वो 3 हैं। मिल्कीज़ की मिल्क चॉकलेट है, मिल्कीज़ की रॉयल चॉकलेट है, और क्रिस्को की चॉकलेट है। तो इसकी प्राइस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट आपको 500 की मिलेगी। इसकी बात करें तो ये आपको 250-300 तक मिल जाती है, 250 ग्राम है सॉरी वो। और इसके बाद ये इसकी बात करें स्लैब की, तो ये आपको चॉकलेट स्लैब 1500 प्लस की मिलती है 2 kg जी। ये आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा हाइप में जाना है तो आप ये बैरल्स की चॉकलेट लें, ये 3500 की 1 kg है और बेस्ट टेस्ट चॉकलेट है, बहुत मज़े की। अगर आपको वाइट चॉकलेट लेनी है तो इटालियानो की लें, और ये ऑलमोस्ट आपको 800 to 900 की मिलेगी। इससे बेस्ट चॉकलेट कोई नहीं है आपके पास। और ये डार्क चॉकलेट है, लेकिन वाइट चॉकलेट की बात कर रही हूँ, वो आप इटालियानो की ही बाय करें, बहुत बेस्ट क्वालिटी होती है उसकी, बाकी मेल्ट ज़रा जल्दी नहीं होती।
इसके बाद आ जाती हैं जी फोंडेंट्स। फोंडेंट केक के लिए फोंडेंट तो आपको पता है बहुत ज़रूरी होते हैं। इवन क्रीम केक भी बना रहे हो, आपको थीम करना है, आपको कस्टमाइज केक बनाना है, तो फोंडेंट टॉपर्स आप इन फोंडेंट से बना सकते हो। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी और मेरी फेवरेट बिबक्योर की है। प्राइस की बात करें तो ये 1600 पर केजी आपको मिलती है, 1600 टू 1800 की अवेलेबल होती है। बहुत बेस्ट क्वालिटी है। वीएन की क्वालिटी भी अच्छी है, ये भी आपको ऑलमोस्ट 1300 टू 1400 मिल जाती है। इसकी क्वालिटी भी बहुत बेस्ट होती है। इसके बाद ये आई मलेशिया की और ये ताम है, ये न्यू ब्रांड आया है और मैंने ट्राई किया है, अच्छी क्वालिटी है इसकी भी, नॉट बैड। ये 1100 पर केजी में आपको मिलेगी और ये सब मैंने ऑनलाइन बाय नहीं किया, ये सब मैंने फिजिकली जाके बाई की। ये सब फोंडेंट टॉपर सेट करें, ये इन्हीं फोंडेंट्स के साथ मैंने बनाए हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है, इजी टू हैंडल होते हैं, तो आप इजीली इनको बाय कर सकते हैं। फिलहाल एक वाइट फोंडेंट ले लें अपने स्टार्टअप पे हैं। इसके बाद ये स्प्रिंकल्स आ गए। स्प्रिंकल्स जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, आप बाय करें, आप नहीं बाय करें, आप केक को ऐसे ही क्रीम के साथ डेकोरेट कर लें। बट ये गोल्डन स्प्रिंकल्स हैं, पिंक स्प्रिंकल्स हैं, गोल्डन इस तरह के छोटे छोटे से भी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वालिटी मैंने स्प्रिंकल्स की रखी हुई हैं। पैक की बात करें, ये जो मैंने अभी रखा है ये थोड़ा कॉस्टली है, बाकी सब जो हैं वो 300 के राउंड अबाउट हैं ये पैक, और ये 30 ग्राम्स के पैक की पैकिंग होती है और ये आपको इजीली अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन। कोई भी आप वेबसाइट लो उसके ऊपर ये ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, इवन कुछ शॉप्स पे भी अभी अवेलेबल हैं, उन्होंने लगा के रखे होते हैं। अच्छा जी, अब हम कल के कुछ कमेंट्स देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस से मैं उनके आंसर कर दूं। फरहीन ने सर पूछ रही हैं ओटीजी ओवंस कौन से होते हैं। फरहीन, ओटीजी ओवंस से रिलेटेड मेरा फुली डिटेल्ड वीडियो बनाने का इरादा है, तो इंशाल्लाह जल्द ही वीडियो अपलोड होगी। उसके बाद पूछ रही हैं बुशरा वहीद व्लॉग्स ऑथेंटिक वेबसाइट शेयर कर दें तो टूल्स वगैरह बाय करने के लिए, तो बुशरा मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिए हैं, आप वहाँ से ऑथेंटिक वेबसाइट जो है वहाँ से देखें और वहाँ से लिंक्स को क्लिक करके आप इजीली ऑनलाइन बाय कर सकती हैं अगर आप पाकिस्तान से हैं तो। बाहर की कंट्रीज़ का मैंने कोई लिंक नहीं दिया है, मैंने पाकिस्तान के लिंक्स दिए हैं, तो आप वहाँ से बाय कर सकते। सो आई होप आपको फर्स्ट क्लास की तरह मेरी सेकेंड क्लास भी पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।